हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं मूंगफली किस तरह से उगाया जाता है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। इसे हम गमले में भी उगा सकते हैं। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है इसको उगाना। और देखें प्रकृति में कितनी विविधता होती है कि आपको जब मैं इसके बारे में बताऊंगी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मालूम होंगी। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम कंटेनर में मूंगफली उगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ पे आप जो ये मूंगफली लगी हुई देख रहे हैं ये तकरीबन 4 महीने पुरानी है। मूंगफली को तैयार होने में 5 से 6 मंथ लग जाते हैं। और आप देखें कि ये हरी भरी है। और मुझे इसको निकाल के देखना था कि ये अभी कितना मैच्योर हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जो भी मूंगफली लगाने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि देखिए ये सब फन है। मतलब जब आप इसको लगाएंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी तो बहुत मज़ा आने लगेगा इसको ग्रो होते हुए देखना और किस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है। और लकली अभी मुझे इसके फ्लावर भी दिख रहे हैं, हालांकि ये बहुत पुराना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके नीचे मूंगफली भी बनी हुई है। और कुछ मूंगफली मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने किसी और गमले में भी डाला हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उनकी क्या सिचुएशन है। तो यहाँ देखें, जब भी हमारा मूंगफली का प्लांट सूखने लगे, मतलब जब उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, तब हमें उसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। आप देखें कि इस पे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मिट्टी डाल दिया था ऊपर से। ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मूंगफली का प्लांट, क्योंकि बहुत वाइन की तरह फैलने लगता है। और जब ऊपर में, इसमें एक ख़ास बात ये है कि आप देखें इसका येल्लो कलर का इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है। उसके बाद ये छोटी सी मूंगफली बन के नीचे ज़मीन में इस तरह से चली जाती हैं, नीचे चली जाती हैं और ज़मीन में अंदर की तरफ मूंगफलियां बननी शुरू हो जाती हैं। ये बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब भी कोई फ्लावर किसी भी वाइन पे या किसी भी स्टेम पे आता है तो वहीं फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मूंगफली का प्लांट ऐसा है जिसमें फ्लावरिंग जहाँ से होती है वहाँ से वो एक स्टेम निकलता है और नीचे पेनिट्रेट हो जाता है सॉइल में। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। मैं पहले समझती थी कि शायद मूंगफली रूट होता है, जैसे हम आलू लगाते हैं, अरबी लगाते हैं, इस तरह से उसके रूट को कहते हैं। लेकिन जब ये इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चलने लगी तब मैं इसे उगाना शुरू किया मैंने, और बहुत सक्सेसफुली ये अच्छे से हो जाते हैं। यही एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। जो भी इस तरह के प्लांट होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और 4 से 6 महीने तकरीबन लग जाते हैं। और इसका बेस्ट सीजन होता है, आप मार्च में ग्रो कर सकते हैं और 5-6 मंथ बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा सीजन आता है वो जून जुलाई में आता है। अभी थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। और मूंगफली हमेशा हमारे घरों में अवेलेबल होती है, तो बहुत अच्छा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ है कंटेनर साइज़। तो कंटेनर आप कैसा लें, मैंने तो देखें इस कंटेनर में लगाया हुआ है, इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जितने वाइड, मतलब जिसका भी सरफेस एरिया ज़्यादा हो, मुँह खुले मुँह वाला हो, उस तरह के कंटेनर में लगा सकते हैं। जैसे कि आप टब में लगाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा इसका, क्योंकि ये जो है ना, इसका ग्रोइंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि किस तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अंदर जाके सॉइल में इसकी फ्रूटिंग होती है। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करनी है। कुछ प्लांट जो मैंने मूंगफली के लगाए हुए थे वो उसके जो प्लांट हैं वो सूख गए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ मुझे देर हो गया उसको हार्वेस्ट करने में। तो ये एक खासियत है इसकी कि अगर आपने इसे नीचे छोड़ दिया तो ये फिर से अच्छा मौसम और जो इसका राइट टाइम होता है जर्मिनेट होने का, वो अगर थोड़ा भी इसे वैसा कंडीशन मिलता है तो ये फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं। इसलिए
सही टाइम पे हार्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं इस कंटेनर में मेरा चेरी का एक प्लांट मैंने ट्रांसप्लांट किया था, इसमें काफ़ी जगह थी, मिट्टी भी अच्छी खासी थी, तो मैंने यहाँ भी कुछ बीज डाल दिए थे, लेकिन मैं इसे हार्वेस्ट नहीं कर पाई टाइम पे। तो आप देखें किस तरह ये जर्मिनेट हो गए, ये देखें, ये नए नए प्लांट जो हैं ये जर्मिनेट हो गए हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगी आपको, देखें किस तरह से इसमें स्प्राउट होता है। एक सेकेंड, ये देखें, इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये मूंगफली है और ये स्प्राउट हो चुका है। ये देखें बारिश के मौसम में, अब ये बहुत आराम से लग जाएंगे। ये देखें इसमें कितनी रूट भी निकल आई है, देखें कितना शानदार है ये। तो इसी तरह से अगर हार्वेस्टिंग नहीं होती है तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है। और भी मैं आप लोगों को नीचे से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, इसको अभी निकाल के दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ये सारे मेरे जर्मिनेट हो गए हैं, देखें इसमें भी रूट निकलनी शुरू हो गई है। इन सबको मैं फिर से लगा दूंगी तो ये लग जाएंगे। आप ये ना सोचें कि ये ख़राब हो जाएगा। ये देखें किस तरह से मेरी बहुत बढ़िया मूंगफली बनी हुई थी, देखें कितनी बड़ी बड़ी हैं ये और बहुत हेल्दी। इस तरह से अंदर और भी हैं, ये देखें, ये नए प्लांट, ये देखें, ये देखें, ये देखें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखें इस तरह से, और ये देखें, ये स्प्राउट नहीं हुआ है तो इस तरह से आपको मिलेगा, लेकिन जो स्प्राउट हो गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये देखें मूंगफली लगी हुई है, कभी आपने ऐसा देखा है? ये प्लांट देखें, इस तरह से मूंगफली स्प्राउट होती है और इस तरह से निकलते हैं इनके प्लांट। कितना हेल्दी और बढ़िया प्लांट है। ये सब मैं जाया नहीं जाने दूँगी, सबको लगा दूँगी। और देखें, बस एक ही सीड मैंने इसमें डाला था और उससे जो मूंगफली बनी, ये देखें इतने मोटे मोटे मूंगफली मेरे। अगर मैं हार्वेस्ट करती तो इस तरह की मूंगफली हमें मिलते। ये देखें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए निकाल रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये कितना आसान है। बहुत बढ़िया हार्वेस्टिंग होती मेरी। देखें अंदर और भी सारी मूंगफली होगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए इन सबको यहीं रखते हैं। मैं इन सबको लगा दूंगी, बस ये आप लोगों को दिखाने के लिए था। देखें मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करने से फिर से जर्मिनेशन शुरू हो जाती है और फिर से उसमें नीचे की तरफ मूँगफलियाँ बनने शुरू होती हैं। लेकिन ये जो प्लांट है ये मैंने बाद में लगाया था, उसके बाद लगाया था, और आज मैं देखने जा रही हूँ कि इसकी क्या सिचुएशन है। ये देखें, ये अब मूंगफली बने हुए दिख रहे हैं। हालांकि इसमें भी जर्मिनेशन कुछ कुछ मूंगफलियों में शुरू हो गया है, इसमें भी मुझे लगता है मुझे देर हो गई हार्वेस्ट करने में। टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। 4-5 महीने होते होते जैसे ही आपके प्लांट में पीली पत्तियां ब्राउन दिखनी शुरू हो जाएं, वैसे ही आपको हार्वेस्ट कर लेना है, नहीं तो। लेकिन फिर भी इसमें से मुझे मूँगफली मिलेंगी। ये देखें कितना बढ़िया है। इस तरह से अगर आप प्लांट लगाएंगे तो आपको बहुत सारी मूंगफली मिलेगी। ये देखें कितना बढ़िया है, ये बहुत अच्छा। तो आप लोग भी मूंगफली ज़रूर लगाएं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और देखें जैसे फ्लावर, एक मिनट कुछ दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को। इधर देखें, स्टेम से फ्लावर, जब फ्लावर बनता है उसके बाद फ्लावर से जो ये स्टेम निकलता है ये पेग कहलाता है। आप देख रहे हैं ये छोटी सी मूँगफली इस पे दिख रही है, और ये मिट्टी में जा करके फिर इसका दूसरा स्टेज ये होता है और फिर तीसरा स्टेज ये हो जाता है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर मूंगफली लगाएं इसी तरह से। और हाँ, जहाँ तक इसमें और भी मूंगफली होगी मुझे धीरे धीरे ढूंढ ढूंढ करके इसमें से निकालनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, ये मैंने बस एक या दो सीड लगाए थे जस्ट देखने के लिए। अगर आप 5-6 सीड लगाते हैं तो आपको और ज़्यादा मूंगफली मिलने के चांसेस हैं।
तो इसकी मिट्टी कैसी बनानी है? आप लोग जानते ही होंगे कि ये बलुई मिट्टी में होता है, जो दोमट मिट्टी होती है उसमें होता है। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ परसेंट आप अपने गार्डन की सोयल लें, 20% काउडंग लें और 40% सैंड रखें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी रहे और इसमें पानी का जमाव ना हो। अगर इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर रह जाता है तो आप जो ये मूंगफलियाँ देख रहे हैं ये गलने लगती हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैंने 2-3 जगह और भी मूंगफलियाँ लगाई हुई हैं और उसमें भी बहुत मोटी मोटी मूंगफली बनी हुई है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। तो जितना आप अपने इस मिट्टी को रिच रखेंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और फुल सन में हमें इसे रखना है, पार्शियल सन में रखेंगे तो ये हरा भरा दिखेगा लेकिन नीचे इस तरह से मूंगफली नहीं बनेगी। और दूसरी चीज़ है कि जब आपकी मूंगफली में स्टेम निकलने लगे, वो लेगी होने लगे, तो उसको मिट्टी में दबाएं। जैसे देखें, आपने देखा कि ये इतने लंबे लंबे स्टेम थे लेकिन ये मिट्टी में दबे हुए थे। यहाँ देखें, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये फ्लावर बने, इसमें ये जो मैंने कहा था इसको पैक कहा जाता है, इस चीज़ को, ये देखें इस तरह से स्टेम से। तो इतनी लंबी अगर आपकी स्टेम जाएगी तो आप सोचें ये मिट्टी में कैसे जाएंगे। तो इनको लिटा के इन पे मिट्टी डालना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मैंने ये काम बहुत बाद में किया था इसीलिए मुझे थोड़ी कम मूँगफली मिली है, लेकिन अगर आप ये काम पहले करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मूँगफली मिलने के चांसेस हैं। मुझे लगता है कि मैंने मेन सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं और बाकी चीज़ें आप खुद लगाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे इसमें क्या करना चाहिए। वैसे तो इसमें किसी तरह का मैं 3 साल से मूंगफली उगा रही हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह के पेस्ट की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जब आप इसको फुल सन में रखेंगे तो पेस्ट का अटैक बहुत कम होगा। और मॉइस्चर लेवल मैंने बताया है कि जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी आपको दोबारा वाटरिंग करनी है। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात है, तो चूँकि ये कंटेनर में लगा हुआ है तो आप हर मंथ इसमें थोड़ा थोड़ा या काउडंग ही डाल दें या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बहुत ज़्यादा कैल्शियम और वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जो भी वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग जो भी इजी अवेलेबल है वो डाल दिया करें। उससे ये काफ़ी मोटे मोटे और बढ़िया बनेंगे। देखें, मेरा भी प्लांट बहुत हेल्दी था, हालांकि इसमें बहुत सारे छोटी छोटी मूँगफली भी बन रही हैं। आप देखें इस तरह के, ये मिट्टी डालने के बाद का ये इम्पैक्ट है, ये छोटे छोटे बहुत सारे बन रहे हैं। और ये भी कोई 1-2 सीड डालने से अगर इस तरह से मूंगफली बने तो ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत बढ़िया रहा। तो आप लोग भी इस तरह से मूंगफली उगा सकते हैं, कंटेनर में लगाएं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो मैंने आपको इसकी पत्तियां देखी कितनी ग्रीन और सुंदर रहती हैं, तो ये ग्रीनरी 4 से 5 महीने तक आपके गार्डन में यूँ ही बनी रहेगी। तो इस पर्पज से भी आप इसे लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।